और यहां पे इंडिया में व्हाट तो बहुत दूर की बात है, लोग पूछते हैं व्हाई व्हाई एंटरप्रेन्योर्स. आई थिंक वी आर ऑल्सो फेसिंग अ सिमिलर चैलेंज टुडे. नोबडी इज विलिंग टू लिसन टू आवर व्हाट. सो लेट मी टॉक अबाउट द व्हाई. बॉस याद है व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप. मेरी ऑफिस में अपने वेलविशर बॉस से परेशान हो गया था, या फिर सोशल नेटवर्क या वुल्फ ऑफ स्ट्रीट देख के कुछ ज्यादा इंस्पायर हो गया था, यार इस बंदे को क्या, या फिर हमेशा से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता था. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर वो 90s में, याद है चिप्स में एक छोटे से शाइनी डिस्क होती थी प्लास्टिक की, टाजोस. ओह यू रिमेंबर दैट, वेरी गुड. तो आई यूज्ड टू बी लाइक क्रेजी अबाउट दोस टाजोस, यू नो. ऑल आई एवर वांटेड वाज लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाजोस, बट मेरी पॉकेट मनी इतनी थी कि मैं हफ्ते में एक ही चिप्स का पैकेट खरीद पाता था. यहां मेरे दोस्तों के 25-30 टाजोस हो गए थे, आई कुड मैनेज ओनली 5. फिर एक दिन मुझे एक आइडिया आया, मैं अपने घर में बैठ के अपने टाजोस को सिक्के से घिस घिस के सफेद कर दिया. अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो वहां पे एक खबर फैल गई कि नवीन के पास एक स्पेशल किस्म के टाजोस, ब्लैंक टाजोस. एंड सडनली एवरीबडी वॉन्टेड देम. लोग अपने 5, 10, 20 टाजोस एक्सचेंज करने को रेडी थे जस्ट टू गेट दैट वन स्पेशल टाजो. में जाम वाली लाइन भूल गया. उसके एक महीने बाद मैं फिर से शॉप पे गया, लेकिन चिप्स का पैकेट खरीदने नहीं, जाम की एक नई शीशी खरीदा जिसमें अपने ताजुस भर सके. अभी और है, मैंने आगे चल के और भी कई वेंचर्स किए. मैंने स्कूल में सीडी राइट कराई, अपने स्कूल में सीडीज राइट कराई, मैंने कॉलेज में लोकल स्पॉन्सर जुगाड़ करके अपनी मैगजीन प्रिंट कराई. पर तब मैं और आज मैं बहुत फर्क है. आज मैं डरा हुआ हूं क्योंकि मुझे अपनी लाइनें याद नहीं है. यू नो, स्टैंडिंग ऑन स्टेज टुडे आई डोंट फील लाइक एन एंटरप्रेन्योर, आई फील लाइक अ कंटेस्टेंट ऑन अ रियलिटी शो. पर मैं तो शायद परफॉर्म करने से पहले ही एलिमिनेट हो जाऊंगा. मेरे एक्स बॉस कहते हैं कि आजकल हर 3 क्यूबिकल में से 2 क्यूबिकल में स्टार्टअप फाउंडर बैठते हैं, तो इतने सारे लोगों में मैं कहां हूं? मुझे तो अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट होने लगा. फिर मैंने सोचा कि मुझसे जो पहले इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए थे उनमें ऐसा क्या था जो मुझमें नहीं है. आई हैव माय विट, आई हैव माय एजुकेशन, आई हैव अ टीम दैट स्टैंड्स रेजोल्यूटली बिहाइंड मी. Nobody. Then I should be successful as well, right? Well, not necessarily. You know, those guys had one more extra thing in common. Perhaps the most crucial thing. They refused to give up. They refused to give up. आप किसी भी entrepreneur की biography उठा के देख लीजिए. It's filled with phrases like a shot in the dark. You know, nobody discovered an engine their first time. Nobody invented an engine their first time. Nobody discovered an island first time. But they kept on working. They kept on trying. आप कमरे में घुसो, कमरे में अंधेरा है और आपको बल्ब चलाना है, तो स्विचबोर्ड पे हाथ पैर मारते रहोगे ना, तो किसी ना किसी स्विच से तो जल जाएगी बॉस. गांधी जी ने कहा है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो ना उसका एक ही सोल्यूशन है, सर झुको काम करो. ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये एंजल इन्वेस्टर्स, ये मेंटर्स, ये सब मेरे हाथ में नहीं है. मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरा काम है, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना मैं काम करके फाड़ दूंगा.